सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। रिसेंटली हमें हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स से क्वेरीज आई हैं कलर ब्लाइंडनेस के रिगार्डिंग, और वो जानना चाहते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस इंडियन आर्म फोर्सेस के मेडिकल में रिजेक्शन का कारण होता है या नहीं। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक गंभीर समस्या है जो आर्म फोर्सेस के मेडिकल में आपके रिजेक्शन का कारण हो सकती है, और बहुत से कैंडिडेट्स इस बात से अनजान होते हैं कि उन्हें भी कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया है क्योंकि इससे उनके नॉर्मल डेली रूटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट या इशिहारा टेस्ट क्या होता है डिफेंस रिक्रूटमेंट के मेडिकल के दौरान। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस होती क्या है। तो हम आपको बता दें कि कलर ब्लाइंडनेस कुछ रंगों के बीच अंतर ना कर पाने की इनएबिलिटी को कहते हैं, और ये प्रॉब्लम रेटिना के कोन सेल में कलर सेंसिटिव पिगमेंट की अनुपस्थिति की वजह से होती है। अगर आसान भाषा में कहा जाए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एक या एक से अधिक रंगों के बीच के फर्क को समझने में मुश्किल होती है, और इशिहारा टेस्ट इस कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस एक क्यूरेबल डिसीज नहीं है, यानी इसको किसी भी इलाज से सही नहीं किया जा सकता है, और इसलिए कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट को आर्म फोर्सेस के मेडिकल के दौरान परमानेंट रिजेक्शन दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये कैसे चेक किया जाए कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। तो चलिए इसके लिए एक टेस्ट शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि आपको इस टेस्ट में करना क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक टेस्ट प्लेट दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपको ग्रे बैकग्राउंड वाले सर्किल में एक ऑरेंज कलर से लिखी हुई 12 नंबर की डिजिट दिख रही होगी। आपको ऐसी ही और 10 प्लेटें दिखाई जाएंगी जिनमें आपको अलग रंग से लिखे हुए नंबर्स को पहचानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। अगर आपने इन सभी प्लेट्स के जवाब सही दिए हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ ही के जवाब दे पाए हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपने आई स्पेशलिस्ट से इसके रिगार्डिंग जरूर मिले, क्योंकि आप कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आप फ्यूचर में ऐसे ही डिफेंस रिलेटेड किस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।